हम जानते हैं सीबीआई ने अपना पूरा एक रिटर्न स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर स्वामी को, और इसके बाद से कई लोग आस लगा रहे होंगे कि शायद अब एसएसआर मूवमेंट को एक विराम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीआई ने अपनी जो भी जांच करी है उसके बारे में जितना भी बताया है वो सब हमारा मोटिव नहीं था। हमारा मोटिव जस्टिस के पीछे चलना है, और जस्टिस के पीछे चलना वो तभी हम कर पाएंगे जब हम बराबरी से आवाज़ उठाते रहेंगे। आपको पता है 6 महीने में केवल सीबीआई ये बता पाई कि वो एक स्पेशल टेक्निक से इस केस की जांच कर रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमारी सीबीआई किसी कंक्लूजन पे नहीं आई। अभी तक उनको ये भी नहीं पता चला है कि वो 302 के अंडर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या 306 के, अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है या तो फिर ये मर्डर है, उनको ये भी नहीं पता है। तो अगर इस स्पीड से, इस रफ्तार से सीबीआई केस को सॉल्व करती रहेगी तो 5-6 साल वो लगा देंगे केवल ये बताने में कि ये केस किस चीज़ का है। लेकिन अब हमारे को अपने प्रोटेस्टों की जो तीव्रता है अब वो बढ़ानी होगी। अभी 2-4 दिन के लिए न्यू ईयर के कारण इन सब प्रोटेस्टों को विराम दिया गया था, थोड़ा टाइम का आराम दिया गया था, सब लोग अपने नए साल की खुशियों में इंजॉय करने में बिज़ी थे, कुछ एसएसआर मोमेंट्स में बिज़ी थे, कुछ एसएसआर को याद करने में बिज़ी थे। लेकिन अब आपको जैसे पता होगा कि 21 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत का जन्म दिवस आता है, और उससे पहले हमें 4 प्रमुख और बड़े